स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस पे। गाइस, हमारी जो लेखपाल की सीरीज चल रही है उसमें आज एक मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिस पर यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज्यादा फोकस करती है। उस टॉपिक का नाम है आपका पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आज मैं शुरू करूंगा इसे और आपको हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा। इस वक्त केवल पाई चार्ट के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो टेबल चार्ट है उनको हम बाद में करेंगे। तो देखिए, बेसिक फॉर्मेट में बताऊं कि पाई चार्ट होता क्या है, किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इसमें कि इसमें जो है हम जो क्वेश्चन करेंगे, देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं लेके आया हूं। जैसे एक सर्कल में आपको किसी कंपनी का या किसी का भी वो क्या है डाटा दे देते हैं, तो उस डाटा को या तो वो आपको परसेंटेज में देंगे या फिर वो आपको किस में देंगे, एंगल फॉर्म में देंगे। ठीक है, इन एंगल फॉर्म और परसेंटेज को कैसे हम ट्रिक के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत लॉन्ग मेथड से करते हैं, हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये जो लिख रखा है इसमें क्या है, जैसे एक जनवरी मंथ में किसी कंपनी ने टोटल जो कार है वो सेल्स करी कितनी, 25,000। 25,000 उन्होंने टोटल कार बेची है, जिसमें से ए ने तो 20% बेची है, बी ने 25 बेची है, सी ने 15% बेची है और डी ने 25 और ई ने 15% बेची है। इसी के ही ऊपर वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछते हैं आइए हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया है इसके ऊपर वो ये आया है कि फाइंड द कार सोल्ड बाय कंपनी ए एंड डी, कि भाई ए एंड डी ने कितनी कार जो है बेची है। तो देखिए भाई, ए एंड डी ने कुल उन्होंने कितनी बेची है, 25,000 बेची है। अब हमें निकालना है किसका, ए एंड डी ने कितनी कार बेची है जनवरी मंथ में, कितने पैसे उन्होंने कमाया, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर नॉर्मली अगर एक बिगनर बच्चा है वो इस सवाल को देखिए कैसे सोल्व करेगा, वो करेगा पहले ए का कितना परसेंट दिया है, ए का दिया है जी 20%, वो पहले इसका 25,000 का 20% निकालेगा। उसके बाद वो डी है, डी कितना दिया है 25%, फिर वो इसका 25% निकालेगा, उसके बाद जाके दोनों को जोड़ेगा, उसके बाद आंसर निकालेगा और अपना जो है 10 मिनट टाइम इसमें वेस्ट कर देगा। बट आपको जो है ऐसे नहीं वेस्ट करना है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में अगर डीआई मिल जाए, ये पाई चार्ट अगर आपको मिल जाए, आपको जो है इसको इसका तो हम बहुत कम यूज करेंगे, ज्यादा हम इसका ही, क्योंकि सबकी जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है कि भाई ए भी इसी का ही परसेंट निकलेगा, बी भी इसी का ही निकलेगा, सी भी इसी का ही निकलेगा। तो भाई हम इसे अलग अलग क्यों निकालें, क्यों ना हम पहले ही इन्हें ही ऐड कर लें। भाई ए और डी का निकालना है तो ए क्या है 20% और डी क्या है 20%, डी कितना आपका 25%, टोटल कितने हो गए आपके 45%। अब जब 45% है क्या, सीधा इसका 45% निकालो भाई, 25,000 का 45% निकाल दो। अब जब इसका 45% निकालेंगे, परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है तो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो लगाते हैं, दो जीरो लगाते हैं, और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब आपका ये कितना आ गया, 2500 × 45। अब एक जीरो की एक जीरो, 25×5 125, 12 कैरी आ गया, 25×4 और 112, ये आ गया जी आपका 11,000। 11,000 कितना, 250। 11,250 रुपए जो है, 11,250 जो है कार किन्होंने बेची है, ए और डी ने बेची है। इस तरीके से हम इसका आंसर जो है निकालेंगे। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस मेथड से समझ में आया होगा। देखिए, इस तरीके की अगर डीआई आ जाती है ना, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको तो 1.5 से 2 मिनट इस डीआई को सोल्व करने में लगता है, केवल इसके 5 क्वेश्चन। बट उसका तरीका होता है, तरीका कैसे, किसी भी चीज को इनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी।
आपने एक बात सुनी होगी कि जैकी चैन ने एक बात कही थी कि मुझे जो है हजारों मूवों से डर नहीं लगता, मुझे केवल उस मूव से डर लगता है जो हजार बार प्रैक्टिस हुई हो। तो सिमिलरली आपको भी यहाँ पे यही फोकस करना है कि एक ही चीज का बार 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 क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा मेथड पे नहीं जाके जो मेथड है उस पर ही प्रैक्टिस करो। ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसका, वो दिया गया है फाइंड द कार सोल्ड बाय कंपनी ए एंड डी। फाइंड द कार सोल्ड बाय कंपनी, ये तो अभी हमने करा था। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा हमारा फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ कार ऑफ कंपनी ई का, ई का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ कार जो आपकी सोल्ड हुई है बाय कंपनी, किसके द्वारा जो हुई है आपकी, कंपनी ई, ई द्वारा क्या होगा। तो अब आप देखिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, कोई सेंट्रल एंगल ई क्या है हमारी कंपनी 15%, ये 15% दिया, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। जब सेंट्रल एंगल जब निकालेंगे इसका हमारा कोई यूज नहीं होगा, कभी भी जो फिक्स वैल्यू आपको दे रखी है नीचे उससे हमारा कोई मतलब नहीं। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए केवल एक छोटा सा पॉइंट है, कभी भी परसेंटेज में दिया हो सेंट्रल एंगल पूछ रहा हो, केवल आपको 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। किससे करनी है, 18/5 से। अब देखो 5 3 15 और 18 3 54, तो 54 डिग्री उसका एंगल आ जाएगा, और सीधा लगाना और सीधा भागना आगे की तरफ। ठीक है, कैसे। अब आप कहोगे कि सर ये 18/5 आया कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई हमें कुल कितना दिया रहता है, ये 100% दिया है, और डिग्री पूरा, एक पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, ये कंप्लीट जो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब ये क्या है आपको 360 डिग्री पूरा कंप्लीट एंगल में कितने हैं, ये कितने हैं 100% है, तो ये 100% हो गया। कितने का निकालना है हमें, 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री यहां लगा दिया। अगर ऐसे भी नहीं आया तो ऐसे देख लो कि भाई कुल 100% बराबर कितना दे रखा है, 360 डिग्री, 1% का निकाला तो 360 डिग्री बटे 100, और 15% का तो गुणा 15। अब जब इसको काटोगे तो क्या आएगा आपका, 2 से काटा 18, 2 से काटा 5, तो आ गया नहीं आपका 18/5 और गुणा 15, 5 दिया 15, 18 दिया 54। तो हम इतनी रामायण क्यों लिखे हैं, हम तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से गुणा कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। जितने में कोई बच्चा 1.5 मिनट लगा रहेगा उतने में आप करके सीधा भागोगे आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है आपका फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी एंड बी। भाई सी एंड बी का एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी एंड बी, कि भाई सी एंड बी ने जितनी कार बेची हैं उनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज कार देखिए भाई ए बी सी डी दे रखा है इन्होंने, किसकी निकालनी है भैया, सी और बी की। तो सी कहाँ है जी, ये रहा 15%, और बी कहाँ है आपका, ये रहा 25%। अब जब ये हमारा फिक्स ही है तो हम पहले इनका ही एवरेज निकाल लें। इनका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज 25 प्लस 15, दोनों को जोड़ा कितना आया, 40% एवरेज है। दो संख्या है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 से डिवाइड करा कितना गया, 20%। अब 25,000 का 20% निकालेंगे कितना जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए
20% हटाएंगे, क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, 20 से 20 और 250 दूनी 500 और 10 ये 5000 आपका आंसर आ गया। या इतनी कैलकुलेशन ना करके जब कभी 10, 20, 30 में देता है तो सीधा अगर पीछे से एक पॉइंट यहाँ है तो ये 10% है, मतलब ये क्या 25 से 10% है, 20% मतलब कितना गया 5000, अगर 30 का अगर कितना हो जाएगा 7500। तो ये होती है स्पीड थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। तो कितना आ गया 5000, आप इसे नोट कर सकते हैं, इस टाइप का एक पूछा जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फाइंड द कार सोल्ड बाय कंपनी ई, फाइंड द कार सोल्ड बाय कंपनी ई, मतलब भाई कितनी कार ई ने बेची है, ई ने कितनी बेची है। तो अब आप चाहें तो हमें इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये डीआई जो है 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। क्यों, जहां क्वेश्चन देखा कि भाई ई ने कितनी कार बेची है, सीधा ई पे आ जाओ, ई कहाँ है ये रहा, कितना है 15%, सीधा इसका 15% निकाल दो, 15% कितना हो जाएगा जी 10%, कितना हो जाएगा आपका 2500, और 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1250, तो 2700 3750 आपका इसका आंसर आ जाएगा। बट हमें बताना है तो देखिए इसका सीधा 15% है, तो परसेंटेज हटाया, क्या लगाया 100 लगाया, 20 से 20 जीरो, 15 बचे 75 का 5 हासिल किया 7, 15 दूनी 30 7 37 3750 के आ गया आपका इसका आंसर आ गया। ये है आपकी बेसिक डीआई है, इस टाइप की जो डीआई है पूछी जा सकती है, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर आपको इसी में से और किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, या वो देखिए ये भी कह सकता है कि आप कि भाई ए बी और सी, ए बी सी का जो आप ए बी सी ने एवरेज कितनी कार सोल्ड करी, ये भी कह सकता है वो। तब जैसे हमने ए जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा था जिसमें खाली दो जनों ने अगर कार बेची थी उसका एवरेज निकालना है तो हमने 2 से डिवाइड करा था। अब सिमिलरली अगर वो 3 से कहने लग जाए कि भाई ए बी सी ने बताओ कितनी एवरेज ने कितनी कार बेची है, तो उसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। और बाकी कैसे देखिए, ए बी सी 20 25 45 50 और 60 टोटल कितने होंगे 60, डिवाइड कर दो किससे 3 से, कितना आ गया आपका 20%। अब 20% सीधा निकाल दो, 25000 का 20% कितना आ गया 5000 आ गया, तो 5000 आपका आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप भाई 25000 कितना निकालना है 20%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, 100 लगा दिया, 20 से 20 ठीक है, 10 20 25 दूनी 50 कितना आ गया 5000 आपका आंसर आ गया। आपसे वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा जो है आपसे नहीं पूछेगा। आप इसे नोट कर लिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट डीआई के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इस डीआई को देखिए आप, इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है किसी कंपनी में कितने हैं 8000 है, 8000 एम्प्लॉय है, जिनमें से अकाउंट्स में 18% है, एचआर में 20% है, मार्केटिंग में 14% है, प्रोडक्शन में 32% है, सेल्स में 16% है और आईटी में 18% है, ठीक है। ये जो है आपका ये एक आप क्या दे दिया, बिल्कुल आपको पाई चार्ट दे दिया। अब इसी के बेस पे वो क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखिए हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस किस में, अकाउंट्स में और आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कि भाई अकाउंट्स में कितने हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है। तो देखिए ये क्या है हमारा फिक्स है,
अब चाहे वो हमें अकाउंट्स पूछे, मार्केटिंग पूछे, साथ में प्रोडक्शन भी पूछ ले, सेल्स भी पूछ ले, हमें पहले उन्हीं सबको ऐड कर देना है, उसके बाद सब पर टोटल का ही क्या निकाल देंगे, परसेंटेज यहाँ निकाल देंगे। देखिए हमसे पूछा किस किस का है, अकाउंट्स का पूछा है, अकाउंट्स में कितने हैं, 18% है, और जी आपके मार्केटिंग में कितने हैं आपके, 14% है, कुल कितने हो गए आपके 18, 14, 32%, 32% अब 8000 का निकाल दीजिए, 8000 का 32% कितना हो जाएगा, 8000 × 32 परसेंटेज हटाई, सीधा 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो और 32×8 = 256, 32×8 = 256 और 1 जीरो के 1 जीरो 2560 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले की सेम तरीके से हमने इसको भी निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो दिया है आपको दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स, सेल्स डिपार्टमेंट, कि आपको बताना है कि दोनों में प्रोडक्शन में सेल्स में कितने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डिफरेंस निकालना है। भाई जब हम ऐड जो है ऐड करने की बात कर रहे हैं तो पहले हम ऐड कर दे रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज निकाल रहे हैं, अब डिफरेंस करने को कह रहा है तो पहले डिफरेंस कर दो भाई, किसका करना है, प्रोडक्शन का और सेल्स का। प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन है 32%, सेल्स कितना है 16%, कितना हो जाएगा 16, 32 में से 16 गए 16%। अब इस 16% को निकाल दो इसका, 1, 2, 3, 16% टाइम जीरो लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो 16 = 128। कितना आ गया आपका 16 × 128, तो 1 जीरो नहीं है, 1 जीरो किया कि 16 × 128 = 1280 क्या आ गया आपका आंसर आ गया है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर, व्हाट इज द रेशियो, देखिए ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो, रेशियो किसका रेशियो कह रहा है वो, एम्प्लॉयज रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज आईटी एंड एचआर, आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टुगेदर, किस आईटी और एचआर डिपार्टमेंट का टुगेदर किससे कह रहा है वो, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टू द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखिए ये रेशियो वाले क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, ये भी समझने की आपको जरूरत है इसके बारे में। देखिए किस किस का कह रहा है वो, पहले कह रहा है आईटी और एचआर डिपार्टमेंट का टुगेदर, आईटी और एचआर का है जी, आईटी 18%, एचआर कितना है, एचआर 12%, इनका रेशियो किससे कह रहा है वो, सेल्स का, सेल्स का कितना आपका 16 और मार्केटिंग 14, कितना हो गया 18, 12, 30 और आपका 16 और 14 कितना आ जाएगा आपका 16 × 20 = 30, 30 क्या आ गया 1/1 आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अब आप देखिए इसमें क्या चीज सीखने की थी,
जब कभी भी आपको ऐसी फिक्स वैल्यू रहे आपसे रेशियो निकालने को पूछेगा तो आप इनका पहले 18%, इनका पहले 12%, इनका 16%, इनका 14% फिर जोड़ोगे, फिर रेशियो निकालोगे, काटा पीटी करोगे, ऐसा नहीं करना। कभी भी रेशियो निकालने को अगर आपसे बोलेगा तो सीधा सीधा आपको इससे तो हमें लेना ही नहीं, क्यों नहीं लेना उसका भी आपको मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लेंगे। देखिए, जब मैं इनको जोड़ के मल्टीप्लाई बाई 8000 लिखूंगा, सिमिलरली इसको जोड़ के फिर 8000 लिखूंगा, तो 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा जोड़ा ये आया, सीधा जोड़ा ये आया, इन्हीं का ही रेशियो हमने निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तरीका, इसी तरीके से आपको करनी है। दिया इतने आप इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नोट करना, अब आपने रेशियो वाला भी समझ लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इज हाउ मच परसेंट, इज हाउ मच परसेंटेज more or less than the number of employees in किसने production department देखिए ये कह रहे हैं, ये नया टाइप का क्वेश्चन आया आपके सामने कि भाई एचआर डिपार्टमेंट में जो है कितने ज्यादा या कम है परसेंटेज है किस से, कह रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किसकी तुलना किस से कर रहा है वो, मोर और लेस की बात कर रहा है कि भाई कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो भाई पहले देख लेते हैं कितना ज्यादा है, एचआर डिपार्टमेंट में कितना है, एचआर डिपार्टमेंट में 12% है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना है, प्रोडक्शन में 32% है। तो ज्यादा तो है नहीं भाई, ये कमी है क्योंकि इसका 12% है, ये 32% है, तो कितना कम है 32 माइनस 12। और तुलना किससे की जा रही है उसकी तुलना की जा रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। इस चीज का ध्यान रखना कि नीचे कौन सी संख्या ले है। जैसे वो कह रहा है एचआर डिपार्टमेंट हाउ मच मतलब कितना अधिक परसेंटेज है एचआर डिपार्टमेंट का किस से, भाई वो पूछ रहा है प्रोडक्शन से, जिससे उसकी तुलना की जाए ना वो नीचे आता है। तो नीचे क्या है, प्रोडक्शन वाला क्या आएगा, नीचे आएगा। गुणा क्या आएगा, परसेंटेज निकालना है भाई, 100 आ जाएगा तो परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज का। तो आप देखिए 32 से 12 गए 20 बट्टे 32 गुणा 100 काट दीजिए, 4 5 20 4 8 32 कितना आ गया आपका 500 बट्टे 8 आ गया। काट दीजिए 8 6 48 2 आ गया, 8 2 16 और 4 8 45 62.5% क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक नया टाइप था जिसमें पूछता है कितना ज्यादा है कितना कम है, बस ये ध्यान रखना किस से पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है वो नीचे आता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या कह रहा है, What is the average of total number of employee in account HR marketing production department? मैं average पूछ रहा है, टोटल एवरेज
टोटल एवरेज एम्प्लॉय इन किसमें अकाउंट्स में, एचआर में, मार्केटिंग में और एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है। देखिए जी, जिस तरीके के क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ कर लेते हैं, लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है ही, बाकी आप जो है बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए एक बार सीखिए, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो यार लाइक कर देना, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना भैया, ठीक है? तो आ जाइए आप। देखिए भाई, टोटल एवरेज पूछ रहा है। टोटल एवरेज किसका? अकाउंट का कितना? 18%, एचआर 12%, मार्केटिंग 14%, प्रोडक्शन 32%। कितनी टोटल संख्या है? 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। पहले इन्हें ऐड कर लीजिए, 32, 36, 46, 48, 58, 58 हो गया आपका 66, 76, 76/4, 4 × 4, 3, 4 × 36, 19% आपका आ गया। अब जो आपकी फिक्स वैल्यू है उसका परसेंट निकाल दो जी, 8000 का क्या निकाल दिया? 19% निकाल दो, परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 19 × 8 = 152, 152 और 1 जीरो की, टोटल कितने हैं? 15020 जो है एम्प्लॉय जो है आपके हैं, किसमें? ये जो इनका टोटल एवरेज है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस पाई चार्ट में पूछे जाते हैं आपको, और इस ट्रिक से या इस तरीके से जैसे हमने रेशियो वाले निकाले थे, साइड करने लेंगे या टोटल निकालते हैं तो सीधा खाली जोड़ के इनमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट होते हैं यही आपकी जो है वहां एक टाइप तो आपका टाइम सेव करेंगे और आपके क्वेश्चन को जल्दी आपको करने में आसानी होगी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इतने। आई होप आपको ये सारी डीआई जो है, जो 2 डीआई है बेसिक से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये आपके क्या थे? परसेंटेज वाले। इसके बाद हम वो करेंगे जो एंगल से दी रहती है डीआई, या उनके साथ मेल फीमेल भी दी दी रहते हैं, उस तरीके की हम डीआई जो है करेंगे। मतलब आप देख लेना, जैसे पीईटी में उन्होंने रेशियो वाली तक वो दे सकते हैं ना, तो भाई लेखपाल में इसमें भी उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो इतने तक ही सीमित हो जाए, इसलिए हमें एडवांस तक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, वो भी मैं इसी के ऊपर आपको लाऊंगा। अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक्स, जय हिंद।